उदयनगर क्षेत्र में जिम्मेदारों की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। इसी के चलते शराब व्यापारी अवैध रूप से बोलेरो वाहन में शराब भर कर सप्लाई कर रहा था। उसी दौरान उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर में ग्रामीणों ने उक्त वाहन को रोककर चेक किया तो उसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान उक्त वाहन को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उदयनगर पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन और शराब जब्त कर ली है। ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब पकड़ने के बाद पुलिस व आबकारी की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जब्त शराब की कीमत 33,000 रुपए बताई जा रही है। वाहन में देशी और अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। उदयनगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसी प्रकार से अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।